जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये है इंडियन आर्मी की जो ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है इनका फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वो दिखाने वाला हूँ, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वो सभी उसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। तो किस किस एलिजिबल एज वाला उसको भर सकते हैं, आपके पास में अभी उसके फॉर्म भरने के लिए कितना टाइम है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग की भी एक आ रखी है दोस्तों, इसके अलावा लेकिन स्पेशली हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में ग्रुप डी और सी के लिए कौन कौन से एलिजिबल है, 10th क्लास पास, 12th क्लास पास और कौन कौन से ट्रेड में आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन से समझा सकूँ कौन कौन सी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द सिविलियन ग्रुप सी एट द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, इसके वैकेंसी ये निकल रखी है दोस्तों। इसका जो टाइम है अभी, इसका फॉर्म का एड्रेस है, पहले सबसे पहले मैं बता दूं ये एड्रेस आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं ये PDF सेंड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी कि किस कहाँ पर आपको एड्रेस पर आपको भेजना है, कौन से मतलब एड्रेस पर आपको भेजना है। दोस्तों ये इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के भेजना। देखिए 45 दिन से जब इसकी नोटिफिकेशन आती है उससे फिर 45 दिन तक ये अवेलेबल रहता है, तो अगले 45 दिन तक आप ये भेज सकते हो दोस्तों। अब इसका जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया, 12th क्लास पास, LDC पोस्ट के लिए 12th क्लास पास है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है दोस्तों। 18 से 27 साल भी है, जैसे लेबर असिस्टेंट के लिए, MTS पियोन के लिए 18 से 25 साल है, इसमें 10th क्लास पास है। MTS मेल के लिए अलग अलग, मतलब 18 से 25 साल इसका जो एज क्राइटेरिया लगभग 18 से 25 और 18 से 27 है, और आपको 10वीं पास ये कोई एक दो पोस्ट है जिनके लिए 12th पास होनी चाहिए। साथ में इसमें जनरल वालों को अलग से छूट दी जाएगी, SC ST के लिए अलग से छूट दी जाएगी, OBC के लिए, अदर बैकग्राउंड के लिए अलग से एज में छूट दी जाएगी। पैलेस ऑफ एग्जामिनेशन ये बेंगलोर में, आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में इसका एग्ज़ाम होगा 21 मार्च 2021 को, रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड। तो दोस्तों इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो कब होगा ये आप साफ साफ देख रहे हो, 21 मार्च 2021 को इसका रिटर्न जो टेस्ट होगा आपका अलग अलग ट्रेड का वो इस दिन होगा दोस्तों। इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया इसका मैं बता देता हूँ आपको। क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन 45 डेज। तो दोस्तों अभी मतलब आप 45 दिन तक आप इसकी जो नोटिफिकेशन आती है उसके बाद 45 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो, और किस प्रकार से फॉर्म भरना मैं आगे आपको दिखा दूंगा दोस्तों, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए लिंक के नीचे, और इसमें एड्रेस दिया हुआ, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू गेट रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजना है। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, इस पिन कोड दिया हुआ इस पर आपको ये सेंड करना। 30 रुपये का इसमें ड्रॉप बॉक्स वो जो लगा है वो लगेगा। इसके साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको भेजना, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC अगर आप किसी बिलोंग करते हो भेजना। फीस ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये के आसपास इसकी फीस है दोस्तों। रिजेक्शन फर्निशिंग ऑफ हेल्थ, मतलब किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपकी गलत भरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो सकता है, और भी कोई मतलब अगर आप गलत भरते हो या बोर्ड की मार्कशीट आप सही नहीं लगाते हो या एज क्राइटेरिया सही नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा अब इसमें और क्या क्या चाहिए देखिए, इसका जो पेपर होगा किस प्रकार से होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल के होंगे, 25 नंबर के मतलब जनरल रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं तो 50 नंबर के ये होते हैं, और 25 नंबर के न्यूमेरिकल मतलब मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो 2 ओवर मतलब 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सिलेबस जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये टोटल आप पढ़ सकते हो, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और जो आपको छूट दी गई है वो अलग अलग SC ST OBC को दिया हुआ है, ये इसका फॉर्म है जो आपको अगर बाहर से नहीं मिलता है तो वो PDF में सेंड करूँगा, तो उधर से आप ले सकते हो। इसमें आपकी फ़ोटो लगानी है, फादर नेम, मदर नेम, पूरा का पूरा आपको रिलीजन, पिन कोड, एड्रेस सब लगाना, आपकी एजुकेशन जो मार्क्सिट की क्वालिफिकेशन है वो सब टोटल लगानी है, सिग्नेचर करना है इधर। इसके अलावा ये दूसरा वाला जो फॉर्म है इसको भी भरना है, फिर आपका जो एडमिट कार्ड वाला फॉर्म है वो भी इसमें जैसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगा के आपको भरना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी अभी आप फॉर्म भर सकते हो, जितने भी दोस्त मेरे एलिजिबल हैं 18 से 25 साल या 18 से 27 साल वाले वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और मतलब इसकी जो PDF है वो आपको मेरे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।